बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इकाम एक्सपायर है, हरूब है, या मतलूब हैं, या साइखास हैं, अमल मंजिली हैं, हारस हैं यानी कि छोटा महीना वाले हैं, कफील के बगैर आप काम कर रहे हैं, तो इन सूरतों के मुतल्लक जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई हैं जी, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कल एक भाई ने, पाकिस्तानी भाई हैं जी, मुझसे रब्ता किया गया और व्हाट्सएप के ऊपर मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले उनकी तरफ से मुझसे कुछ सलाह मशवरा किया गया और मैंने उनको रिप्लाई भी किया। यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शायद आपका अपना दिखा रहा हूँ, आप अगर कोई मसला वगैरह हो तो इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो अभी दोबारा उनकी तरफ से रब्ता मुझसे जो आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है जी कि वो मुझको बोल रहे थे कि हम अभी इकामा हमारा पड़ा हुआ है, मेरा पड़ा हुआ है, यानी कि एक माह या दो माह रहता होगा, तो मैं क्या बाहर कहीं जाकर काम कर सकता हूँ, क्योंकि कफील जो है ना वो कन्फर्म बात है हमारा हरूब देने वाला है इकामा एक्सपायर होने से दो चार पाँच दिन पहले। तो मैंने उसको बोला अभी तो आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप पकड़ेगा तो पूछ गुछ हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आपका हरूब हो जाएगा ना, फिर आप पकड़ेगा, फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बस ये जहन में रखिएगा। लेकिन अगर सिंपल लफाज में बात करें तो उतनी देर में बंदा एक्सपर्ट हो जाता है दो तीन में, अगर बाहर काम कर ले कि कौन से एरियाज में शूटते घूम रहे हैं और कौन से नहीं घूम रहे हैं, कहाँ पकड़ाई होती है, कहाँ पर चेकिंग लगती है। बहरहाल जी, ये तो सारे किस्से हो गए लंबे और अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के मुतल्लक। इकामा एक्सपायर है, पकड़े गए आपको छोड़ दिया जाता है, कन्फर्म बात है, वो बोलते हैं ये फ़ाइन करो और इसको छोड़ो। हाँ, आपके ऊपर हरूब है तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, आप उम्रा पर आए हुए हैं, आप भागे काम कर रहे हैं, आप पकड़े गए तो आपके ऊपर बाकायदा फ़ाइन किया जाएगा। अगर उनको रहम दिली आ जाए, आपके ऊपर खुदा तरसी आ जाए, तो फिर आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, वरना 50,000 फ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप मतलूब हैं तो फिर भी आप जेल में रहेंगे जब तक के वो कफील के साथ आपके मामलात क्लियर नहीं हो सकते, चाहे उसमें फिर एक साल लग जाए। अगर कोई किसी किस्म का केस है आपके ऊपर तो फिर भी आप पकड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस सूरत में इकामा एक्सपायर हो तो बंदों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख लें, मैं आपके साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जो कि तरहील है जी। ये तरहील यानी कि डिपोर्ट हुए ये 8,234 अफराद हैं, ये इस वीक में सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किए गए हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर। इनमें इकामा एक्सपायर वाले बंदे नहीं हैं जी। इकामा एक्सपायर वाले बंदे, जैसे कि मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, उनको फ़ाइन करके छोड़ दिया जाता है, जाके अपना इकामा लगवा लें। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, टोटल 15,894 बंदे हैं जी जो कि पकड़े गए हैं। और अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल इकामा के मुतल्लक, तो ये 9,192 अफराद इस एक यानी कि 6 से 7 दिनों में 9 से 10 हज़ार बंदे इकामा एक्सपायर वाले पकड़े गए हैं। ठीक है जी, इनमें आप अगर देख ले मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, इनकी तादाद जी 3,968 है जी, यानी कि 4,000 बोल रहे हैं आप। अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अल अमल, तो इनकी तादाद जी 2,734। तो ये एक वीकली रिपोर्ट थी, मैंने बोला आपके साथ शेयर करता चलूँ। तमाम जिनके बंदों को इकामा एक्सपायर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं अगर पकड़े वगैरह गए तो आपको फ़ाइन करके छोड़ दीजिएगा। अगर हरूब है, कोई केस है, मतलूब हैं, या साइखास हैं, अमल मंजिली हैं, कफील के बगैर काम कर रखे हैं, फिर पकड़ेगा तो फिर आपको वो जेल में ले जाएंगे।